विद्यार्थी परिषद आलो टिकाई द्वारा संजय चौक पे मिशन साहसी अभियान के निमित्त कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यातायात व्यवस्था थी पुलिस की, तो हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता संगठन मंत्री भाई साहब द्वारा एसआई परमार जी को कहा गया कि आप थोड़ी व्यवस्था देख लीजिए, तो उसमें उनके द्वारा अभद्रता व्यवहार किया गया, असभ्य शब्दों का प्रयोग किया गया और हाथ दिखाने ऐसी गलत बातें करने जैसी विषय आया। हम थाने में आके चर्चा करी टीआई साहब से, एसडीओपी मैडम से, माफ़ी हमने विषय रखा कि वो माफ़ी मांगे, जैसा कि उनने असभ्य तरीके से बात करी है पूर्णकालिक कार्यकर्ता से, ये बड़ा ही निंदनीय है। माफ़ी मांगने का कहा, उसमें भी उन्होंने अपना रुतबा बिल्कुल कायम रखा, किसी भी बहुत देर तक तो थाने नहीं आए, थाने से बाहर नहीं आ रहे हैं, जो करना हो आप कर लो, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया, जिसमें एसपी साहब के नाम एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया गया जिसमें शनिवार तक उचित कार्रवाई की जाए, वरना विद्यार्थी परिषद के जिला भर के कार्यकर्ता एसपी कार्यालय रतलाम का घेराव करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। आश्वासन क्या मिला आपको यहाँ से? आश्वासन ये मिला है कि हम दो दिन में कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एसपी कार्यालय रतलाम का जिला भर के कार्यकर्ता घेराव करेंगे। बताया जा रहा आपके कार्यक्रम स्थल की परमिशन आपके पास नहीं थी? नहीं, कार्यक्रम स्थल की बिल्कुल एक दिन पहले हमारे कार्यकर्ता आके जो आपके टीआई साहब है उनसे चर्चा करी, सूचना दी, उनको पूरी परमिशन थी। इस कार्यक्रम के अतिथि एसडीओपी मैडम और एसडीएम मैडम भी थे और पूरी अनुमति थी कार्यक्रम की, ऐसा कोई विषय नहीं। जी, थाना अलोट क्षेत्र में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ अव्यवस्था हो गई थी, इस विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्य आकर थाने पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जिस पर आगामी दिनों में कार्यवाही की जाएगी। क्या अव्यवस्था हो गई थी? जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा था उसके लिए जो प्रोग्राम में व्यवस्था करनी थी उस प्रोग्राम में कुछ देरी हो गई थी। क्या मांग कर रहे हैं छात्र? जो पुलिस के द्वारा अव्यवस्था हुई है उसके उसमें कार्यवाही के लिए मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर मैडम जी जनरल कोई परमिशन ली थी आपने? कार्यक्रम की लिखित परमिशन नहीं ली है हम लोगों ने। YouTube चैनल MB News TV, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।